मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास सिक्स को हिंदी ग्रामर का तीसरा पाठ शब्द और उनका वर्गीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन भाषा है, यानी कि भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का और भावों का आदान और प्रदान किया जाता है। अब भाषा के लिए हमको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, शब्द बनाने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वर्ण क्या है, भाषा की मूल इकाई है। तो वर्णों के ही सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है, यानी कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द वाक में प्रयोग किए जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। अब शब्दों के भेद को चार आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। अब आते हैं, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है स्रोत, यानी कि जो ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो आए कहाँ से हैं, जिसमें पहला है तत्सम। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, अर्थात हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं या ज्यों के त्यों ही उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे चंद्र, सूर्य, ग्रह इत्यादि। तद्भव शब्द दूसरा भाग है, दूसरा स्रोत है तद्भव। तद्भव अर्थात संस्कृत का ही हिंदी रूपांतरण। संस्कृत में, यानी कि भाषा में, संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग ना करके उनका हिंदी रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, सूरज, घर आदि। अब उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद है देशज शब्द। देशज यानी कि स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषाओं का जब प्रयोग किया जाता है तो उनको देशज भाषा कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, हाथ इत्यादि। चौथा आता है विदेशज। हमारे भाषा पर विदेशी भाषा का भी प्रभाव बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों का भी इस्तेमाल बहुत किया जाता है, जैसे अखबार, रेल, चाय इत्यादि। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं का मेल। अब वह भाषाएं भिन्न होती हैं, जैसे हवा प्लस दार। अब हवा जो है वो हिंदी शब्द है, दार फारसी शब्द है। शब्द क्या बना, हवादार। किताब घर, किताब फारसी शब्द है और घर हिंदी है, किताब घर। यानी संकर शब्द में दो भिन्न भाषाओं का मेल होता है। दूसरा आधार आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द अपने निश्चित अर्थ में होते हैं, अपने मूल रूप में होते हैं, इनका खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे दूध, घर, पानी इत्यादि। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द में दो रूढ़ शब्दों का योग होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाता है, जैसे पाठशाला, जन्म दिन। योग रूढ़ शब्द, इसमें शब्दों का योग तो होता है, दो शब्दों को मिलाकर के शब्द बनाए तो जाते हैं, परंतु उनका अर्थ अन्य होता है, उनका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे दशानन, मुरलीधर। अब दशानन का जो विशेष अर्थ है वो है रावण, मुरलीधर का विशेष अर्थ है श्री कृष्ण। अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे रामदेव, अप्रैल, मंगलवार इत्यादि, ऐसे कई शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। अनेकार्थी शब्द यानी एक ही शब्द के अलग अलग कई अर्थ होते हों, जैसे अंक। अब अंक का एक अर्थ नंबर भी होता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना आप लोग 1, 2, 3, 4 ये सब, और एक अंक का अर्थ होता है गोद। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, आसमान, आप जानते होंगे। अंबर का दूसरा ही अर्थ है वस्त्र, यानी भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों। समानार्थी शब्द, इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं, यानी एक शब्द के
कई समान अर्थों वाले शब्द, जैसे सूर्य को हम दिनकर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द, जिसमें दो आपस में विपरीत शब्दों को लिया जाता है, जैसे गुण दोष, दिन रात, अच्छा बुरा इत्यादि। प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द के भेद में जो चार आधारों के बाद चौथा आधार है, चार आधारों के लिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होता है जिन शब्दों पर लिंग, काल, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है, यानी कि लिंग, काल, वचन, कारक की वजह से उनमें बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द यानी कि विकारी शब्द का विपरीत, जिन शब्दों पर लिंग, काल, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उन शब्दों में लिंग, काल, वचन, कारक की वजह से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये सभी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, जैसे ये उसका वर्गीकरण भी किया गया था, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ कमल, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्द भेद के चार आधार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से समझिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, शब्द कैसे बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द पद कब कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। धन्यवाद।